गुड इवनिंग, आ जाइए सभी लोग। आज अपन मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में जानकारी देखते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, सिंचाई में क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई व्यवस्था में कुएं नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 66%, 16.8%, 2.7%, 13%। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका ए, कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है सबसे अधिक। कुओं के द्वारा सबसे अधिक कहाँ पर की जाती है? आपकी मंद, सौर और नलकूपों के द्वारा, इंदौर, उज्जैन। ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई व्यवस्था में नहर से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 66%, 16.8%, 2.7%, 13%। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, नहरों के द्वारा सबसे अधिक कहाँ पर सिंचाई की जाती है? तो इसका होगा आपका सही आंसर 16.8। नेक्स्ट, और सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में? होशंगाबाद में नहरों के द्वारा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई व्यवस्था में तालाब से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है? 66%, 16.8, 2.7, 13%। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका 2.7, लगभग 3%। तालाबों के द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है आपकी? बालाघाट और सिवनी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कुएं एवं नलकूपों से किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? होशंगाबाद, बालाघाट, इंदौर, मंदसौर, सीधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुएं को द्वारा कहाँ की जाती है? मंदसौर में। ठीक है, और नलकूपों के द्वारा? इंदौर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका इंदौर व मंदसौर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नहर से किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? होशंगाबाद, बालाघाट, इंदौर व मंदसौर, सीधी। तो सबसे अधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? होशंगाबाद में। ठीक है, यहाँ पर कौन सी नहर है? तावा नहर, सबसे नर्मदा की सबसे बड़ी नदी की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो होशंगाबाद में स्थित है। पहली नहर कहाँ बनाई गई थी आपकी? बैन गंगा नहर। कब बनाई गई थी? 1923 में। बालाघाट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, होशंगाबाद। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में तालाब से किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? होशंगाबाद, बालाघाट, इंदौर, मंदसौर, सीधी। जिसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए आप, तालाबों के द्वारा कहाँ पर की जाती है? बालाघाट में। सबसे पहले मध्य प्रदेश में तालाबों का निर्माण किस शासन किस
राजाओं के द्वारा किया गया था। चंदेल राजाओं द्वारा, ठीक है, खजुराहो में। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला व न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम। डिंडोरी, होशंगाबाद, दतिया। डिंडोरी, डिंडोरी, दतिया, होशंगाबाद। तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है आपकी? होशंगाबाद में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है? डिंडोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, होशंगाबाद और डिंडोरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित और न्यूनतम सिंचित, पहले एरिया वाइज देखा आप, परसेंटेज वाइज, ठीक है। डिंडोरी, होशंगाबाद, दतिया, डिंडोरी, होशंगाबाद, डिंडोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, प्रतिशत के आधार पर, ठीक है। सर्वाधिक सिंचित, इसका सही आंसर होगा आपका दतिया, परसेंटेज आधार पर, ठीक है। और सबसे कम परसेंटेज कहाँ पर है? डिंडोरी में। तो आंसर आपका होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना का आरंभ कब किया गया था? 2008, 2007, 2005, 2004। इसका आंसर बताइए आप जल्दी, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए इसका आप लोग। इसका सही आंसर होगा आपका 2007, बलराम तालाब योजना। इसके दो इसमें क्या होता है? SC ST को 75% अनुदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा। और समान वर्ग के लिए 40%, ठीक है, प्रदान किया जाता, जिससे तालाबों को निर्माण और सिंचाई के लिए वर्षा के जल को रोकना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान का आरंभ कब किया गया? 2009, 2007, 2008, 2006। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। जल अभिषेक अभियान, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका 2006, ठीक है। कहाँ से प्रारंभ किया गया था जी? ठीक है, इंदिरा गांधी बांध से। ये कहाँ पर है? खंडवा, पुनासा। बिजली उत्पादन कितना होती है यहाँ से? सबसे मध्य प्रदेश का ऊंचा भी बांध भी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 92 मीटर, ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन किया गया था 2005 में। आधारशिला किसने धरी थी? 1984 में इंदिरा गांधी ने, ठीक है, आधारशिला रखी थी 1984 में। और बनकर कब तैयार हुआ था? 2005 में। बिजली कितनी उत्पादन की जाती है यहाँ से? एक हजार मेगावाट, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2006। नेक्स्ट, खेत तालाब योजना का आरंभ कब किया गया था? 2006, 2007, 2008, 2005। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी सभी लोग बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके। तो इसका सही आंसर होगा 2007। इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा
जल को भूमि क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के किस जिले में तालाब जोड़ो परियोजना का प्रारंभ किया गया था? किस में किया गया था? छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तालाब जोड़ो परियोजना का प्रारंभ किया गया था आपका टीकमगढ़ में। ठीक है, ठीक है। मुझे निवाड़ी किस जिले से बना है? टीकमगढ़ से। कब बना है? एक अक्टूबर 2018 को। ठीक। ओरछा कहाँ पर है? निवाड़ी जिले में। और इंडस्ट्रियल एरिया भी प्रतापपुरा कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, छतरपुर में क्या है? हीरा संग्रहालय। ठीक है, हीरा संग्रहालय। कुंडेश्वर कहाँ पर है? आपका टीकमगढ़ में, शिव जी का शिवलिंग। जी, टीकमगढ़ में है आपका। ठीक है, सागर में क्या है? मंगलगिरी कहाँ पर है? जयंती स्थल मंगलगिरी है आपका सागर में। ठीक है, लाखा बंजारा तालाब कहाँ पर है? सागर में। लाखा बंजारा तालाब है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का पहला बांध किस जिले में स्थित है? मुरैना, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर बताइए आप जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? मुरैना। मुरैना में पगारा बांध मध्य प्रदेश का पहला बांध है। ठीक है, ठीक है। ग्वालियर को कहाँ से पानी आता है? तिगरा। नेक्स्ट, सुक्ता परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? खंडवा। परियोजना आपकी है, किसकी सहायक है जी? नर्मदा नदी की। ठीक है, यहाँ पर कौन सी है? महेश्वर परियोजना। ठीक है, होशंगाबाद में कौन सी है? तवा परियोजना। नेक्स्ट, सुक्ता परियोजना मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, माही, सोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नर्मदा। प्रमुख परियोजना देख लेते हैं इसकी। ठीक है, अब पहली है बरगी, कहाँ पर है जी? आपकी जबलपुर में। दूसरी कौन सी आपकी? इंदिरा, इंदिरा सागर, महेश्वर। फिर और कौन सी है इसमें? सरदार सरोवर।
बरगी कहाँ पर है आपकी? जबलपुर। ये किस कहाँ पर है? खंडवा। भाई ईश्वर कहाँ पर है? खरगोन में। ठीक है जी, किसकी संयुक्त परियोजना है? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिजली का कितने परसेंटेज इसका एमपी में? 37। ठीक है, ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुलताई से। माही किस जिले से निकलती है? धार कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, माही एकमात्र नदी है जो करक रेखा को कितने बार काटती है? दो बार। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है आपकी? अमर कंटक। कहाँ मिलती है जी? गंगा में। बाण सागर बांध भी है इस पर, बाण सागर बांध है आपका सह डोल में। ठीक है, और इसमें तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है जी, एमपी, यूपी और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट, भापसा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल। तो इसका सही आंसर बताइए आप जल्दी से, 16 का आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा आपका बुरहानपुर। भापसा जो नदी है ना, वो भापसा ताप्ती की सहायक है, उस पर बना हुआ है बांध है जी। ठीक है, बैतूल से कौन सी निकलती है? ताप्ती। ठीक है, खंडवा खरगोन से नर्मदा। भीमगढ़ संजय गांधी बांध किस जिले में स्थित है? बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिदवाड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर बताइए आप लोग। भीमगढ़ संजय गांधी कहाँ पर स्थित हैं? जल्दी से बताइए आप लोग जी। हैं आपके बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट किस नदी पर है? बेन गंगा पर। ठीक है, बैन गंगा पे है आपकी, किसकी सहायक है जी? जी है आपकी गोदावरी की। ठीक है, कौन कौन सी है? पैंच, कानन और सभी गोदावरी की सहायक हैं। ठीक है, चिंकी परियोजना कहाँ पर है आपकी? चिंकी परियोजना है आपकी सिवनी में, नरसिंहपुर में, सॉरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बालाघाट। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? कौन सा जिला नहीं होता है? मंदसौर, रतलाम, नीमच, खंडवा। गांधी सागर किस नदी पर बना हुआ है? ये बना आपका चंबल नदी पर। ठीक है, कब बना था? 1953 में। आधारशिला किसने रखी थी इसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है,
कितने बांध बने हुए हैं इस पर? इसका सही आंसर होगा आपका खंडवा। खंडवा में नर्मदा जी, गांधी सागर नहीं है वहां पर, कौन सी है? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। वहां पर कौन कौन से बांध हैं इसमें चंबल पर आपके? राणा प्रताप और एक है आपका जवाहर, ठीक है। इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी है आपकी पहले 115 मेगावाट है, ठीक है, गांधी सागर की। इस राणा प्रताप की कितनी है? 172 मेगावाट बिजली क्षमता। जवाहर की 99 मेगावाट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? खंडवा। नेक्स्ट, महेश्वर बांध से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? किसको लाभ होता है? सिंचाई, पेयजल, किसको पूर्ति होती है इससे? बुरहानपुर, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका खरगोन। महेश्वर बांध है ना जो आपका, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, खरगोन में। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? बन है लगभग 520 मेगा वाट, ठीक है। नेक्स्ट, बैनगंगा नहर से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? खंडवा, खरगोन, बालाघाट, बैतूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। बालाघाट, ठीक है। पहली नहर कब बनी थी यहाँ पर? T3 में। खंडवा में कौन सी है? इंदिरा गांधी, ठीक है। खरगोन में महेश्वर, बैतूल से ताप्ती। कालीभीत पहाड़ियां कहाँ पर हैं? भीत पहाड़ियाँ अभयारण्य कहाँ पर है? बैतूल में। किस लिए प्रसिद्ध है जे? कॉफी और उसके लिए, भालुओं के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, हलाली नहर से कौन से दो जिले हैं जो लाभान्वित होते हैं? होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, इंदौर, धार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका रायसेन और विदिशा। किसकी सहायक है हलाली आपकी? बैतवा की, ठीक है। बेतवा कहाँ से निकलती है आपकी? बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 480 किलोमीटर, ठीक है।
कहाँ पर मिलती है जी? यमुना जी में, हमीरपुर। और यूपी में, ठीक है। और ठीक है, कंचन घाट, कंचन घाट कहाँ पर है? ओरछा। ओरछा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, तवा नहर से कौन सा जिला लावण्यित होता है? होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, खरगोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? होशंगाबाद। होशंगाबाद किस उस पर है? तवा नदी पर, ठीक है। सबसे नहरों के द्वारा सिंचाई होशंगाबाद में, ठीक है। बैतूल से कौन सी नदी निकलती है आपकी? ताप्ती। कौन सी परियोजना है यहाँ पर खंडवा में? ठीक सागर, ठीक है। खरगोन में कौन सी है? महेश्वर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होशंगाबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चंबल नहर से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है इसमें? भिंड, मुरैना, श्योपुर, नीमच। इसका सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका नीमच। भिंड होता है, मुरैना, श्योपुर को चंबल नहर से जल की पूर्ति होती है, नीमच को नहीं होती है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ये सभी, चंबल नदी। नेक्स्ट, माता टीला राजघाट बांध किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किन की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। माता टीला सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये किस नदी पर है माता टीला? बेतवा, ठीक है। कहाँ पर बना हुआ है ये? ललितपुर और झांसी के बीच। इसका पुराना नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। बाई, ठीक है। और कौन कौन से बांध बने हुए हैं बेतवा पर? पारीछा, ठीक है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर, बावनथड़ी, पैंच, ऊपरी बैनगंगा इत्यादि को परियोजना को दो किन की संयुक्त परियोजना है? किन की राज्यों की? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। राजस्थान, गुजरात में कोई योजना नहीं है, तमिलनाडु, केरल नहीं है। तो इसका सही आंसर कहाँ होगा आपका? पहला। नेक्स्ट,